नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर पैसिव्स का पार्ट टू ले रहे हैं। पार्ट टू के अंतर्गत पास्ट टेंस से रिलेटेड जो एक्टिव वॉइस होती हैं उसको पैसिव्स के अंदर किस प्रकार चेंज किया जाता है, आज हम इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। पास्ट टेंस से रिलेटेड पैसिव्स, पास्ट टेंस के अंतर्गत यानी भूतकाल के अंतर्गत कुल चार पार्ट होते हैं, चार भाग होते हैं, उसमें से तीन भाग पैसिव्स बनेगी। इसमें पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू और पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पैसिव्स बनेगी तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की पैसिव्स नहीं बनेगी। अब हम सबसे पहले पास्ट सिंपल टेंस को ले लेते हैं। पास्ट सिंपल टेंस, इसको आप अच्छे से समझ चुके हैं कि सही क्रिया इसके अंतर्गत डिड होती हैं तथा मुख्य क्रिया वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। इसको अगर यदि हम पैसिव्स के अंदर बदलेंगे, जो सही क्रिया है उसको वाज व वर्ब में बदलेंगे और तथा मुख्य क्रिया है उसको हम थर्ड फॉर्म के अंदर बदलेंगे। पास्ट टेंस से रिलेटेड हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस का फॉर्मूलाज यानी सूत्र आपको दे रखा है कि किस प्रकार एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, वो आपके सामने है। पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में क्रिया की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर वर्ड या एडवर्बल। एक चीज अति महत्वपूर्ण है, यह एकमात्र ऐसा टेंस है जिसके अंदर सेकंड फॉर्म होती है क्रिया की, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। कुल 12 पार्ट में से इस मात्र एक पार्ट के अंदर है। यदि एग्जाम के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत ही आसानी से आप उसको रीड कर लेंगे। आपके सामने रेड कलर के अंदर हम दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है सी कुक्ड द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। यहाँ पर जो सी करता है उसके जस्ट बाद में आपको क्रिया नजर आ रही है, कुक के साथ ईडी लगा है, कुक्ड। एक अति महत्वपूर्ण और विशेष बात, ये जो कुक्ड लिखा है इसका सेकंड फॉर्म भी यही होता है और थर्ड फॉर्म भी यही होता है। अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये क्रिया की सेकंड फॉर्म है? तो इसके लिए विशेष बात यह है, अगर आपको क्रिया की सेकंड फॉर्म देखना है तो उसके आगे किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब इसी के अंदर मिली हुई है, डिड मिला हुआ है, इसलिए क्रिया की सेकंड फॉर्म है। अगर ये थर्ड फॉर्म होता तो यहाँ पर बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं आती। विशेष बात जो ध्यान देने वाली थी वो है कि थर्ड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर कभी नहीं आती है। तो ये क्लियर हो चुका है कि ये सेकंड फॉर्म ही है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस हो गया। अगर हमें इसकी पैसिव्स बनानी है तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार रहेगा, ऑब्जेक्ट को बाहर लिखना है, उसके साथ वाज वर्ब लिखना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म करनी है, एडवर्बल जो भी आए वो लिखना है, बाई लगाकर अंत में सब्जेक्ट लिखना है। इस वाक्य के अंतर्गत सबसे पहले हम लाएंगे ऑब्जेक्ट को बाहर, तो ऑब्जेक्ट इस वाक्य के अंदर है द ब्रेकफास्ट। ये जो नाउन है वो सिंगुलर नाउन है, इस वजह से यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज आएगी। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म करना, कुक का थर्ड फॉर्म भी कुक्ड ही होता है, वो लिख दिया, उसके बाद बाई हर इन द मॉर्निंग। एक सेंटेंस नेगेटिव का लिया हमने, तो सी डिड नॉट कुक द ब्रेकफास्ट, इसमें से डिड बाहर निकल गया इसलिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अब इसकी पैसिव्स करनी है तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को बाहर लेकर आएंगे, द ब्रेकफास्ट वाज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नॉट लिखना है, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म या कुक्ड कर दिया, बाय हर। इस प्रकार आप समझ चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव्स किस प्रकार बनानी है और नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव्स किस प्रकार बनानी है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब इस सेंटेंस के अंदर डिड नॉट शब्द आया, तो अब हम समझ चुके हैं कि ये पार्ट सिंपल टेंस है, डिड नॉट। अब इसको हम अगर पैसिव्स में बदलेंगे तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को बाहर लेकर आएंगे, इसमें जो मेन वर्ब है वो प्ले, उसके बाद में जो लिखा है वही ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, तो वो ऑब्जेक्ट क्रिकेट मिला यहाँ, वो हमने यहाँ बाहर लिख दिया। क्रिकेट सिंगुलर नाउन होने के कारण यहाँ पर वाज लिखेंगे, उसके साथ नॉट लगेगा क्योंकि ऊपर नेगेटिव सेंटेंस था, तो नॉट लिख दिया। उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो हमने प्लेड कर दिया, बाय अस, और कहीं कहीं पर वी को अन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए वहाँ पर बाई लगाकर वापस अस नहीं लिखा जाता है। तो हमने दोनों तरह से आपको बता दिया है।
अगला हम एग्जांपल लेते हैं एक्टिव वॉइस में, सी वॉश्ड द क्लोथ। अब इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आप क्रिया देखेंगे कि क्रिया कौन से फॉर्म में है, यानी सेकंड फॉर्म में। अगर क्रिया सेकंड फॉर्म वॉश्ड है तो अब इसको हम पार्ट सिंपल टेंस। एक बात आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दी कि ये वॉश्ड है, ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, अकेले नहीं आती है। इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म में है, और अगर सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस में है। एकमात्र टेंस जिसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म होती है वो है पास्ट सिंपल टेंस। यदि हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट है वो बाहर लेकर आएंगे। ऑब्जेक्ट आपको मुख्य क्रिया के जस्ट बाद में मिलेगा, तो उसके बाद में द क्लॉथ लिखा है, यही हमारा इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है। हम इसको बाहर लिखेंगे द क्लॉथ्स। अब पीछे ES लगा है, इसका मतलब ये प्लूरल नाउन है। तो अब इसके अनुसार वर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म वास्ड, उसके बाद में बाय लगाकर हम ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट सी था उसको यहाँ पर लाकर लिखेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसका हर। अगला जो आपके सामने आ रहा है एग्जांपल, सीमा टॉट हर। अब ये टॉट सेकंड फॉर्म है तो पार्ट सिंपल टेंस। इसके बाद में हर आया, ये ऑब्जेक्ट है, इस हर को हम बाहर लेकर आएंगे। यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट है और इसको लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, तो इसको पहले सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हर का सब्जेक्ट होता है सी। इसके बाद में इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगी वाज, टॉट थर्ड फॉर्म, बाय, और जो सीमा नाम है वो वापस एज इट इज लिखना है। अगला एग्जाम्पल है दे एब्यूज द लीडर इन द मीटिंग। अब इसके अंदर दे आपके सब्जेक्ट, एब्यूज सेकेंड फॉर्म है, उसके बाद में द लीडर ये ऑब्जेक्ट, और इन द मीटिंग ये एडवेबल। तो हमें द लीडर ये ऑब्जेक्ट को बाहर लेकर आना है, तो हमने सबसे पहले द लीडर लिखा, उसके बाद ये सिंगुलर नाउन होने के कारण वाज आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म एब्यूज, उसके बाद में एडवेबल इन द मीटिंग, और लास्ट में बाय लगाकर दे को अंत में ऑब्जेक्ट बनाना है देम। अब चलते हैं आगे जो आपके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने आपको चार क्वेश्चन दिए हैं, इससे आप स्वयं हल करें ताकि आपकी भी एक्यूरेसी बढ़े। पहला है सी ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप, दूसरा है ही हेल्प्ड यू इन योर डिफिकल्टी, तीसरा है मैनी पीपल took tea in the afternoon, और चौथा है रवि cooked rice in the kitchen। अब इन चारों को आप स्वयं हल करना और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब हम चलते हैं आगे पास्ट कंटिन्यू टेंस। पास्ट कंटिन्यू टेंस में साइक क्रिया होती है वाजवर, तथा मुख्य क्रिया होती है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यदि हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो साइक क्रिया हो जाएगी वाज वर्ब के साथ बिंग, और मुख्य क्रिया में आपको करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका जो हम फॉर्मूला देखते हैं तो वो है सब्जेक्ट वाज वर्ब, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके अंदर आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और अंत में अदर वर्ड या एडवेबल। तो एक एग्जांपल आपके सामने लेते हैं इसका, सी वाज मेकिंग टी इन द मॉर्निंग। अब वाज है और साथ में क्रिया के अंदर आईएनजी है, तो सीधा सीधा आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यू टेंस का एग्जांपल है। इसकी अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार रहेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आपको वाज वर्ब करना है, उसके साथ बिंग लगाना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म करनी है, एडवेबल के बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखना है। तो इस सेंटेंस के अंदर मेकिंग मुख्य क्रिया है, उसके पास में जो टी लिखा है वो आपके ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमें बाहर लेकर आना है। तो टी बाहर लिखा, उसके बाद में सिंगुलर नाउन होने के कारण वाज लिखा, उसके बाद में बिंग लिखा, बिंग के बाद में क्रिया को थर्ड फॉर्म करना है, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, वो लिखा, उसके बाद में बाय हर इन द मॉर्निंग। अगला एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके अंदर लिखा सी वाज कुकिंग फूड इन द किचन। वाज और कुक के साथ आईएनजी लगा है कुकिंग, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यू टेंस है। मुख्य क्रिया के पास में जो लिखा है वो ऑब्जेक्ट फूड, इसको हम बाहर लेकर आएंगे, फूड वाज बींग कुक्ड इन द
किचन और बाय लगाकर आपको सब्जेक्ट सी है उसको अंत में लाएंगे, उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल, ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर टू हिज फादर। अब इसमें ही सब्जेक्ट है, वाज के साथ नॉट लिखा है, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है और उसके बाद में राइटिंग आया, इसका मतलब ये कंटिन्यू टेंस हो गया। ए लेटर इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम बाहर लेकर आएंगे ए लेटर। ए लेटर सिंगुलर नाउन होने के कारण इसमें वाज लिखा, वाज के बाद में नॉट लिखना है और उसके बाद में बींग लिखना है। ये ध्यान रहे, जब भी नेगेटिव वाक्य हो तो नॉट लगाना हो तो वाज और बींग के बीच के अंदर आप नॉट लिखेंगे। उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म रिटर्न, उसके बाद में एडवर्ब टू हिज फादर और अंत में बाय लगाकर ही का ऑब्जेक्ट बनाना है हिम। अब कुछ एक्सरसाइज ले लेते हैं। एक्सरसाइज के अंदर पहला है टीचर वाज टीचिंग देम। अब वाज है और टीचिंग शब्द है, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यू टेंस है। उस सेकंड है स्टूडेंट वर प्लेइंग हॉकी। तीसरा है समवन वाज वेटिंग फॉर यू इन द रूम। राकेश वाज बीटिंग हिज वाइफ। इस प्रकार ये चार एक्सरसाइज आपके लिए हैं, जरूर इनको सॉल्व करना। आप इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। अब हम आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट की ओर। पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया हेड तथा मुख्य क्रिया होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसको अगर पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो हेड के साथ आपको लगाना है बिन सहायक क्रिया में, तथा मुख्य क्रिया जो थर्ड फॉर्म है उसी को आप एज इट इज रखना है। इसका मतलब ये तो बहुत ईजी है, आसान है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी एक ही है। अगर सिंगुलर है तो भी हेड है और प्लूरल है तो भी हेड है, और क्रिया की थर्ड फॉर्म पहले से दे रखी है। को पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करते हैं तो भी बड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि पहले से थर्ड फॉर्म हमें मिल रही है। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। सी हैड मेड टी इन द मॉर्निंग। सी के बाद में हेड आया है और हेड आते ही क्रिया की थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद में आया है टी जो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, हम इसको बाहर लेकर आएंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे और हेड के साथ बिन लगाना है, तो हमने हेड के साथ बिन लिख दिया। क्रिया की थर्ड फॉर्म ही रखनी है तो मेड का हमने एज इट इज मेड वापस लिख दिया, बाय लगाकर सब्जेक्ट को पीछे लाए और ऑब्जेक्ट बनाकर हर लिख दिया, फिर इन द मॉर्निंग। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, और जिसमें लिखा है रानू हैड लॉक्ड द गेट बिफोर सी वेंट आउट। तो इसको अगर हमें पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है तो हम देखेंगे रानू हैड लॉक्ड, यानी यहाँ हेड आया है और क्रिया की थर्ड फॉर्म आई है, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसके अंदर द गेट है वो इसका ऑब्जेक्ट है, तो द गेट को हम बाहर लेकर आए, द गेट हेड के साथ बिन लिखना है, बिन लिख दिया। उसके बाद में लॉक का थर्ड फॉर्म एज इट इज लॉक्ड लिखा बाय रानू बिफोर सी वेंट आउट। अब चलते हैं आगे, एक उदाहरण और ले लेते हैं। माय फादर हैड रिटन ए पोएम। ये बहुत आसान है क्योंकि हैड लगा है और क्रिया की थर्ड फॉर्म रिटन लिखा है, और मुख्य क्रिया के बाद में आपके ऑब्जेक्ट हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम बाहर लेकर आएंगे ए पोएम। तो हमने यहाँ पोएम हैड बिन और उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म रिटन, बाय लगाकर माई फादर है उसको वापस एज इट इज लिख दिया। अब आपके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज, द टीचर हैड टॉट हिम, ही हैड लॉस्ट हिज वॉच। तीसरा, आई हैड लर्नड ऑल द लेसन्स। और चौथा है, नोबडी हैड सीन द टाइगर इन द जू। इस प्रकार कुछ एक्सरसाइज हैं, इनको आप जरूर करिएगा। हमने इस पास्ट टेंस के तीनों पार्ट की चार चार एक्सरसाइज आपको दी हैं, आप इनको करना ताकि आपका भी पैसिव वॉइस सॉल्व करने में फ्लो बढ़े। अब आगे आने वाले वीडियो का थोड़ा परिचय दे दूं। आगे आने वाले वीडियो के अंदर फ्यूचर टेंस के साथ गोइंग टू वाली पैसिव वॉइस बनाएंगे ताकि आपके वो भी मैटर क्लियर हो जाए। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, हम आपके लिए अच्छा से अच्छा मैटर आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आगे आने वाले वीडियो तक हम आपसे इजाज़त मांगते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।